आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम रेंज के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में डेटा को सिलेक्ट करना सिखाया था कि डायनामिकली डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे। आज हम उसी टॉपिक को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात हम जानते हैं कि एक सेल के ऊपर हम किसी वैल्यू को कैसे टाइप करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी एक रेंज पे कुछ लिखना है तो वीवीए के थ्रू कैसे लिखेंगे, उसके कई तरीके हैं। पहला आप है यहां पर लिख सकते हैं कि रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। तो पहला तरीका तो ये है, आप इस तरह से लिखें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थोड़ा लेंदी है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कि डॉट सेलेक्ट और फिर सिलेक्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू या फिर तीसरा तरीका और भी है कि आप यहाँ रेंज डॉट सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे लिखें कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। लेकिन ये तरीका जो है लेंथी तरीका है, तो इन तरीकों का यूज ना करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे नेम। तो इसमें क्या है कि हम पहले कर्सर को रखेंगे फिर आप वैल्यू को डालेंगे। तो फर्स्ट कर्सर रखा और फिर वैल्यू को डाला, राइट सर? लेकिन डायरेक्ट वैल्यू को डालना है, कर्सर डालने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि डॉट वैल्यू लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट ए वन डॉट वैल्यू कर दीजिए, ए वन इक्वल टू नेम कर दीजिए, तो आपको डाल देगा। या फिर ए वन कर सकते, मैं बी वन कर देता हूँ, बी वन पे बी वन, और यहाँ मान लीजिए कि रोल दे देता हूँ। और तीसरा है कि मैं रेंज वन डॉट फॉर्मूला इक्वल टू पास कर, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? ये तो आपकी सेम सीट, तीनों तरीका एक ही है, तो ये आपकी सेम सीट पे डाल देता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला दिखाओ, चलिए फॉर्मूला को समझते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे किसी सेल पे, जैसे कि डी वन पे जो वैल्यू है मुझे उसको ए वन पे डालना है, तो D1 की वैल्यू A1 पे आ जाए, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे A1, जिस पे वैल्यू आनी है, जो रिसीवर है वो पहले दिखाएगा डॉट वैल्यू, और जो गिवर है ये जहां से आ रही है वो इक्वल के दूसरे साइड दिखाएगा कि D1 डॉट वैल्यू, ओके? तो इसमें अगर मान लीजिए कि D1 पे कोई फॉर्मूला है तो सिर्फ उसकी वैल्यू 50 आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे d1 डॉट वैल्यू किया है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे d1 डॉट फॉर्मूला कर दिया तो क्या होगा, तो इसकी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी उठ के आएगी कि इक्वल 20+30। तो फॉर्मूला आप जिस पे वैल्यू डाल रहे हैं उस पे आप वैल्यू करो या फॉर्मूला करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर किसी सेल से वैल्यू उठा रहे हो तो अगर आपने वैल्यू किया तो समझिए कि जस्ट कॉपी पेस्ट, कॉपी या वैल्यू पेस्ट की तरह जाएगा। अगर आपने वहां पे डॉट फॉर्मूला किया तो फिर वो फॉर्मूला उठ के जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? प्रीतम जी, अनिल जी, अतीत जी, कोई डाउट? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। अब इसमें आगे बोलते हैं कि अभी तो क्या है कि हमने सेम सीट पे किया है, मान लीजिए मुझे सी टू के ए वन पे वैल्यू डालनी है, तो आप इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है कि आप सी सीट्स के सी टू पे आप जाएं, राइट? सीट टू डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, और फिर रेंज ए वन डॉट वैल्यू is equal to, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ओके? या दूसरा है कि आप डायरेक्ट पाथ दे दें यहां पे कि सीट्स, और सीट्स में हम कर देते हैं सीट टू, डॉट रेंज वन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, ठीक है? क्लियर सर? इस तरह से मान लीजिए कि कोई दूसरी फाइल है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बुक टू है,
तो आप चाहो, मैं चाहता हूँ कि बुक टू पे जाके सेव करें। तो उसके लिए तीन तरीके हैं। पहला है कि आप उस वर्कबुक को यहां पे एक्टिवेट कर लें कि वर्क और यहां पे दे कि बुक वन डॉट एक्सएलएस एम जो भी एक्सटेंशन हो डॉट एक्टिवेट। तो आप ये तरीका है कि पहले वर्कबुक को एक्टिवेट करो, फिर सीट को एक्टिवेट करो, या फिर तो जाके नेम पे डालो, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पे कि वर्कबुक डॉट शीट्स डॉट रेंज। क्लियर है? आप किसी अनोदर सीट पे, अनोदर फाइल पे कैसे वैल्यू भेजेंगे, समझ में आ गया आपको? रिदम जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। बात आती है कि मुझे वैल्यू लिखना है सबसे लास्ट में। जैसे मान लीजिए कि हमारे कॉलम ए में बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है और मुझे जो है अपने डेटा उसके लास्ट सेल पे डालनी है, तो लास्ट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बहुत सारे लोग लास्ट सेल कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीका लिखते हैं। जैसे कि पहला तरीका है कि वो वेरिएबल पे जा यहां पे लिखते हैं कि आर इक्वल टू रेंज ए वन डॉट एन डॉट रो। फिर यहां पे करते हैं सेल्स आर प्लस वन कॉमा वन डॉट वैल्यू इक्वल टू एग्रीसिव वैल्यू, राइट सर? तो इस आर के जगह पे मैं डायरेक्ट इसको भी लिख सकता हूं। यहां पे आर जो हमने वेरिएबल ले लिया उसको ना देके मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करें। दूसरा है कि ये तो वीवीए मेथड हो गया। अब दूसरा है कि हम एक काम भी करते हैं कि यहां पे हम दे देते हैं वी इक्वल टू यहां पे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, इसमें हम दे देते हैं रेंज ए बाई ए। हमने वर्कशीट फंक्शन क्यों लगाया, इधर बताएंगे? मैंने यहां पे वर्कशीट फंक्शन क्यों लगाया? सॉरी, मैंने यहाँ वर्कशीट फंक्शन क्यों लगाया? हेलो, क्योंकि सर हम इसमें वर्कशीट पे कॉल कर रहे हैं ना, इसको तो रेंज जो हमारी है वो। क्यों कॉल कर रहे हैं? देखिए होता क्या है कि जो एक्सेल के फॉर्मूले हैं, है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वीलुकअप, एचलुकअप, काम मैक्सिमम, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना। तो इसमें से क्या है कि कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट वीवी करता है, जैसे कि आप लेन बात कर लें, लेन डायरेक्ट वीवी को सपोर्ट कर रहा है, राइट बात कर लें, राइट डायरेक्ट वीवी को सपोर्ट कर रहा है। तो कैसे पता चला कि सपोर्ट कर रहा है? जब राइट का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, तो नीचे एक्सप्रेशन आ जा रहा काउंट के फॉर्मूले में, काउंट ए के फॉर्मूले में नीचे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, मतलब कि वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो फॉर्मूला एक्सेल का है और वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट ना कर रहा है, उसको हम फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल। ये क्या करेगा कि ये काउंट इस कॉलम की पूरी तरह से काउंट दे देगा, राइट? और काउंट देने के बाद अब यहां पे हम सेल दे देंगे कि सेल्स यहां पे वी प्लस वन कॉमा वन वैल्यू। समझ में आया? जब आपके पास, अब देखिए आप डायरेक्ट ए वन बी वन सी वन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि रो भी नंबर में हो, कॉलम भी नंबर पे हो, तो वहां पे हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, समझे? सेल्स में पहला पार्ट होता है आपका रो का और दूसरा पार्ट होता है कॉलम का। तो ये जो हमने यहां लगाया कि यहाँ रेंज एक्स लेंथ, इसने क्या किया कि ऊपर से यहां से कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर दिया, ठीक है सर? सबसे लास्ट में आ गया। अब इसकी जो रो नंबर है वो रो नंबर आर पे स्टोर कर दिया। अब आर क्या है? एक वेरिएबल है, जैसे मैथमेटिक्स में एबीसीडी लेते हैं ना, एक्स वाई जेड एबीसीडी, वही समझ ली। हाँ जी,
वैल्यू को होल्ड करने के लिए, ओके। और सेम फीचर मैंने यहां पे अप्लाई किया, हमने यहां पे किया कि व्हाट इज फंक्शन पर काउंट है और रेंज 36 पे निकाल लिया, कितने काउंट है 12 है, तो 12 प्लस 1 13 पे जाके वैल्यू को डाल दिया, ओके। इन दोनों में दिक्कत है कि अगर आपका सेल ब्लैंक हुआ तब क्या होगा, तब तो आपका काउंट भी देखिए यहां पे काउंट 11 दे रहा है और ऊपर से एंड के तरफ नीचे आएंगे फिर भी दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें यहां पे चलता है मेरा मेथड, मेरा मेथड क्या कहता है, मेरा मेथड कहता है कि मैं यहां करूंगा कि रेंज 65000 डॉट ए 65000 डॉट एंड एंड में लूंगा एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट और यहां पे दूंगा 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम देंगे नंबर। इसने क्या किया कि सबसे गया कॉलन यहां पे ए 65000 पे, अब 65000 की जगह पे आप 10 लाख 20 लाख 10 लाख 8 लाख 5 लाख भी दे सकते हैं, 65000 में शुरू से देते आता हूं क्योंकि ये 2003 में ही वर्क कर जाता है, इसलिए 65000 पे आएगा, फिर वहां से कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा और ये ऊपर आएगा। अब इसमें जो ऑफसेट लगा हुआ है वो कर्सर मूव करने का काम करता है, तो जहां पे एक्सेलस अप रुकेगा वहां से एक रो नीचे आ जाएगा, नीचे क्यों आया क्योंकि ऑफसेट के हमने बोला हुआ है 1,0, तो ये आपका पहला पार्ट रो हो गया, दूसरा पार्ट कॉलन हो गया। अगर मैं यहां कॉलन पे भी 1 कर दूं तो ये क्या करेगा कि एक नीचे आएगा और फिर एक आगे चला जाएगा, तो प्लस में दीजिएगा तो इंक्रीज होगा, माइनस में दीजिएगा तो डिक्रीज होगा, ओके। क्लियर आप लोगों को सर एक कोड, एक मिनट में एक साथ लिखता हूं, बनाया सर ये सर प्रीतम जी अनिल जी कोई डाउट इसमें, नो सर नो डाउट दिस इज क्लियर। प्रीतम जी आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं सर इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। जाहिद जी मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि आप इसे पढ़ चुके हैं सर, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ सर सर ने ठीक है नहीं सर कोई एक मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता ही है इसलिए मैं इसमें नहीं कुछ कर रहा। हाँ सर पता है। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, नो इशू, ओके। तो चलिए आपके साथ हम एक काम करते हैं, वही हम एक मान लीजिए कि छोटा सा सीड मैं एक फॉर्म बनाते हैं, राइट सर, छोटा सा फॉर्म बनाते हैं सिंपल सा, नेम सिटी तीन ही सेल का ही लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं यहां पे मैं यहां पे बटन बनाऊंगा, ये हमारा हो गया फॉर्म और दूसरा हो गया हमारे पास डेटा। मुझे क्या करना है कि यहां पे एक ट्रांजेक्शन आईडी डेट टाइम उसके बाद फिर नेम सिटी और अमाउंट, ओके सर कोडिंग कर दी। तो और यहां पे क्या होगा कि बटन होगा, जब एक बटन बनेगा उस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहां से डेटा इस डेटा में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे स्टोर होगा, ओके सर। चलिए इसके लिए कोड करते हैं सर, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे
सबसे पहले रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वेल आईडी क्या है, क्योंकि मुझे यहां पे ऑटो जनरेटेड आईडी चाहिए, तो मैं यहां पे आईडी एक वेरिएबल ले लेता हूं, उसमें कहता हूं कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, क्योंकि मैक्स डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए हमने इसको ऐसे लिया। और इसमें हम देंगे कि सीट्स डेटा डॉट रेंज कॉलन ए, ये बता देगा आपका कि कॉलन ए का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसमें प्लस वन कर देगा तो आईडी होगा, जैसे फर्स्ट टाइम में जीरो होगा, जीरो प्लस वन तो ये आपका वन हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ आपका वन हो जाएगा, सेकेंड टाइम वन होगा मैक्सिमम तो वन प्लस वन इक्वल टू टू हो जाएगा। इस तरह से हमेशा ऑटोमेटेड जनरेटेड आईडी जो है ये आईडी आपको यहाँ डालते रहेगा। ओके अब मैं इसी को कॉपी करता हूं, इसको पेस्ट करता हूं, तो मान लीजिए इस पे आईडी वन डल गया, अब नेक्स्ट टाइम ये नीचे से ऊपर जाएगा, 65,000 से ऊपर जाएगा तो कर्सर यहां पर होगा, तो अब वैल्यू मुझे नीचे नहीं डालना है, मुझे वैल्यू जो है आगे इसके सामने में डालना है, तो मैं इस वन को कर दूंगा जीरो और यहां कर दूंगा वन, आईडी के जगह पे डालूंगा डेट। तो डेट एक एक वीवीए का फॉर्मूला होता है जो कि सिस्टम डेट दिखाता है, जैसे एक्सेल में टुडे, सॉरी एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला होता है, यहां पे क्या करेगा सिस्टम डेट डाल देगा। अब बारी आती है टाइम की, तो अब इसी को हम कॉपी करते हैं, अब इसमें क्या हुआ कि नीचे से ऊपर जाएगा, अब यहां पे 0, 1, 2, अब यहां पे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अब यहां डेट के जगह पे नाउ होगा, तो नाउ का डेट एंड टाइम दोनों देता है, तो मुझे इसमें सिर्फ डेट चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कि सिर्फ टाइम चाहिए, तो जैसे मान लीजिए कि डेट एंड टाइम दोनों अगर इसमें डला है आपके एक्सेल फाइल में, तो मुझे इसमें से टाइम सिर्फ टाइम अलग करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट इसमें डालते हैं कि HH तो एक्सेल में इसे VBA में ये आपका फॉर्मेट करता है, टेक्स्ट फॉर्मूला फॉर्मेट फॉर्मेट के नाम से हो जाता है सर, यहाँ पे दोनों एक ही, तो फॉर्मेट और यहां पे हम दे देते हैं HH SS SS MM होगा, जो टाइम होगा वो टाइम आपका यहां डल जाएगा। अब फिर बारी आती है नेम की, तो नेम के लिए यहां आपका हो जाएगा 3 और यहां पे हमने डेट के जगह पे क्या है B1 हो जाएगा, और इसी को कॉपी करते हैं पेस्ट पेस्ट, यहां पे 3 के जगह पे आपका हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा आपका 5 और ये आपका B4 हो जाएगा और B7 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें जो टाइप की वैल्यू उसको क्लीन करना चाहूंगा, तो रेंज यहां पे मैं इकट्ठा लिख सकता हूं तीनों एक ही साथ कि B1, B4, B7 और इसमें हम कर देंगे क्लियर, मतलब कि क्लियर कंटेन, ताकि सिर्फ इसकी कंटेन डिलीट हो, फॉर्मेटिंग डिलीट ना। और फिर MSG बॉक्स के अंदर में हम डाल देंगे और यहां डालेंगे प्लीज प्लीज नहीं यहां पे डेटा सेव। ओके ये प्रोग्राम बन गया, अब इसको डिगर करने के लिए हम डेवलपर में आते हैं, इंसर्ट बटन लेते हैं, यहां से फॉर्म कंट्रोल बटन लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं और इसमें सेंड का हम कर देते हैं, यहां पे बटन के जगह पे हम यहां पे सेव कर देते हैं।
कोड मेरे हिसाब से परफेक्ट है, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम है। तो जाहिद जी और अनिल जी एंड अतीश जी एंड प्रीतम जी, आप सबको मैं बोलता हूं, क्या गलती इस कोड में? सर आईडी के नीचे वाला वो वन निकाल दीजिए पहले तो। हाँ उसके बाद प्रीतम जी आपको भी इंक्लूड है, आप भी बोल सकते हैं कि क्या गलती है इसमें। हेलो। हाँ सर। हेलो सुन रहा हूँ। सर इसने शीट तो सिलेक्ट की नहीं कि किस शीट से किस शीट पे जाएगा। देखिए अगर आप सीट डिफाइन नहीं करते हो तो जो एक्टिव सीट होगा उसी के रेंज पे डाल देगा, तो इसी ए ए ए 65,000 से ऊपर नीचे करता रहेगा और इसी कॉलम में सारा डेटा डाल देगा, क्योंकि हम दो सीट के बीच में डील कर रहे हैं, तो आपको दूसरे सीट का डेटा खाए तो सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर देना होगा या फिर सीट का रेफरेंस देना होगा जो कि मैंने ऊपर आपको समझाया है। ठीक है प्रीतम जी। okay. नहीं देख पाए ना आप, अनिल जी आप भी नहीं देख पाए। यस सर करेक्ट। देखिए जिस दिन आप किसी के बनाए हुए मैक्रो पे गलती निकाल लेंगे उस दिन समझिए कि हाँ आप मैक्रो सीख रहे हैं, अब आपको मैक्रो समझ में आ रहा है ना, इसी ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमने क्यों नहीं रेंज डाला, हमने सिर्फ इसी पे डाला, बाकी इस पे हमने सीट नहीं लगाया या फिर इसके बगल में सीट नहीं लगाया, क्यों ये मुझे समझाएंगे आप अनिल जी? सर क्योंकि जो हमारी वैल्यू की शीट है वो हमारी एक्टिव शीट है। जी हाँ, क्योंकि जब हम क्योंकि हम इस माइक्रो को ट्रिगर कर रहे हैं एक बटन से, तो बटन हाँ के लिए मेरा फॉर्म एक्टिवेट होगा, तो इसमें डालने की जरूरत नहीं है बट डाल सकते हैं, समझ गया ना, डालने की जरूरत नहीं है बट हम डाल सकते हैं, डालने से कोई दिक्कत नहीं हो। ओके चलिए अब मैं एक टेस्ट करता हूं, यहां पे मैं नाम दे दिया पूजा, सिटी दे दिया दिल्ली और अमाउंट दे दिया 50। मैं पहले डेटा जो डाला हुआ मैं उसको खाली कर देता हूं। सेव, क्लीन हो गया और इसमें हमारा डेटा सही परफेक्टली सेव हो गया। अब दूसरा करता हूं, मैं करता हूं यहां पे मान लीजिए टीना, सिटी कर दिया पुणे, मैं यहां पे सेव पे क्लिक करता हूं एंड ओके। आई नंबर टू डेट, यहां पे देखिए टाइम चेंज हो गया ना सर, तीसरी चौथी इनपुट आप कर सकते। आप लोगों को ये फाइल में भेज रहा हूं, ठीक है, ये फाइल नहीं मैं कोड ही भेज रहा हूं, फाइल लेकर कीजिएगा, कोड मैं आप लोगों को भेज रहा हूं, तो इसमें कोड में आपको करना क्या है, क्योंकि अभी जो मैंने किया वो विद इन फाइल है ना सर, एक सीट से दूसरे सीट पे डेटा भेज रहे हैं, और इसमें अभी किसी को भेजा रावत पवन, आपको मैं कोड भेज दिया। अब आप लोगों को इसमें दो चीज करनी है, पहली चीज करनी है कि आपका जो डेटा है वो फाइल टू फाइल भेजा, मतलब कि मेरी एक फाइल सेव है किसी अनदर लोकेशंस में,
मैं जब सेव पे क्लिक करूं तो मेरा डेटा शीट जो है इस फाइल में नहीं है, मेरे बुक वन में नहीं है, एक किसी और फाइल में है। तो आपको एक ऐसा मैप बनाना है कि आप मैं जब पे सेव करूं तो ये डेटा जो है दूसरे फाइल में जाके सेव हो जाए, राइट। और आपको एक ऐसा तरीका निकालना है कि मैं अपने सिस्टम पे अपडेट करूं अब उस फाइल को पूरे वर्ल्ड में कोई भी देख सके, मतलब कि मेरे 20 लोग हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी में काम कर डिफरेंट सिटी में काम करते हैं। तो अब मैं यहां पे एक्सेल शीट पे अपडेट करूं तो उन सबको मिल जाए, समझ गए, समझे कि नहीं सर? सर मिल जाए मतलब उस वो भी डेटा देख सके लाइव, मैं जैसे अपडेट करूं 30 सेकंड उनको दिख जाए कि हाँ यह है, ऐसा कोई सिस्टम आपको निकालना है, समझे? नहीं तो फिर कल सर ऐसा हो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक।